गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि निर्देशन की आवश्यकता क्या है या क्यों आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की आवश्यकता के विभिन्न क्षेत्रों की आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम जन सामान्य रूप से अगर देखते हैं तो हमें जीवन के हर पग पर किसी न किसी क्षेत्र में हमें कोई भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों को करने में चाहे सामान्य सी समस्याएं आए चाहे कोई विशिष्ट प्रकार की समस्याएं आए पर समस्याएं आती हैं और उनके समाधान के लिए निर्देशन एक बहुत अच्छा साधन है। इसीलिए निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति को हर क्षेत्र में पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो निर्देशन की आवश्यकता है वह व्यक्तिगत दृष्टि से। व्यक्तिगत रूप में निर्देशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय चयन और उससे संबंधित उसके परिवर्तन, उसके विकास, उसकी उन्नति के लिए, उत्थान प्रगति के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। अर्थात एक बालक को अपनी व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार के चाहे शैक्षिक के चाहे व्यावसायिक के चाहे अन्य प्रकार की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात आती है सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है कि जैसे एक समाज की संरचना है, उसके मूल्य हैं, उसके विशिष्ट प्रकार के नैतिक व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इन सब के विकास उन्नति उत्थान के लिए एक बालक में को निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज क्या है, उसके मूल्य कैसे हैं, उसका कैसे बालक को अपनाना चाहिए, किस तरह के मूल्यों के उसको एक व्यक्ति में आवश्यकता होती है, समाज के विकास के लिए व्यक्ति किस तरह से सहयोग करता है, उसकी किस प्रकार की भागीदारी होती है, इन सभी बातों को समझने और जानने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज का विकास ही राष्ट्र का विकास है। अब यहाँ पर बालक को ये चीज़ समझनी होती है कि उसका अपना विकास ही राष्ट्र का या समाज का विकास होता है। तो वो अपने विकास का विकास के बारे में अगर विचार करता है या सोचता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि उसकी मानसिकता या उसकी विचारधारा ये हो कि वह उसका ही नहीं वो अपने विकास अपना खुद का विकास इस तरह से करे कि समाज का विकास संभव हो सके। अर्थात एक बालक में विकास और उन्मुख प्रवृत्ति समाज के दृष्टिकोण से हो, नैतिक मूल्यों के विकास के दृष्टिकोण से हो, निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगली बात आती है राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात आती है तो वहाँ सबसे पहली चीज, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो विविधतापूर्ण संस्कृति का राष्ट्र है। तो यहाँ पर अन्य संस्कृतियों को मान्यता देना या स्वीकार करना, आदर सम्मान देना, यानी कि एक राष्ट्रीय भावना का विकास होना, धर्म निरपेक्षता की भावना का हो विकास होना, एकता की भावना का विकास होना, फिर एक तरह से कहा जाए कि प्रजातांत्रिक की रक्षा के लिए प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होना बहुत अनिवार्य है। और इसी दृष्टिकोण से राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होना चाहिए बालक में, राजनीतिक दृष्टिकोण से उसमें धर्म निरपेक्षता की भावनाओं का विकास होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होना चाहिए। अतः राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन आवश्यक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से यानी कि बालक की किसी विषय विशेष में आने वाली समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से हो,
चाहे विषय चयन के दृष्टिकोण से हो, व्यवसाय चयन के दृष्टिकोण से हो, बालक की अपनी विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं हैं उनको उनसे संबंधित सूचनाओं को या उन जिज्ञासाओं को शांत करने की दृष्टिकोण से हो, निर्देशन की आवश्यकताएं होती है। इसीलिए क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान या निवारण के लिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि बालक के जैसे जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे व्यक्तिगत एक कक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं तो उसका प्रभाव एक बालक पर पड़ता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, समायोजन है, उसके विभिन्न परिस्थितियों के साथ उसका समायोजन है, उसके अपने व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि बालक के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव जिन बातों का पड़ता है उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निदान या निवारण के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगली बात आती है शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से। शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यह एक निर्देशन का क्षेत्र भी है और यहाँ पर यह एक आवश्यकता भी है, क्योंकि शहरी सभ्यता और शहरों की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति से एकदम भिन्न होती है। वहाँ की आवश्यकताएं अलग होती है, वहाँ का सामाजिक वातावरण अलग होता है, वहाँ की अपनी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होती हैं, वहाँ की योग्यताओं में कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो जैसे वहाँ की फैशन है, वहाँ की संस्कृति है, वो ग्रामीण संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होता है। इसीलिए मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामान्य मनोरंजन होता है, शहरी क्षेत्रों में जैसे पब्स हैं, क्लब्स हैं, ऐसी जगहों पर मनोरंजन के लिए बालक जाते हैं। तो इसी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शहरी वातावरण, शहरी संस्कृति बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति से भिन्न होती है। इसलिए शहरी क्षेत्र के दृष्टिकोण से कि क्या सावधानियां बालक को किस जगह कैसे सावधानियां रखनी चाहिए, समाज के साथ में किस तरह से समायोजन करना चाहिए, मनोरंजन के क्षेत्र में अगर वो कहीं ऐसे पब या क्लब में जा रहा है तो वहाँ पर उसे कौन से किस तरह से उनका चुनाव करना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर उसे अपनी सावधानी रखनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों की अपनी संस्कृति और अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उस दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर आता है ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टिकोण से। ग्रामीण क्षेत्रों के दृष्टिकोण से क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, जैसे वहाँ पर शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं, क्योंकि शहरों में तो शिक्षा से संबंधित बहुत सारे संसाधन आसानी से मिल जाते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलते, तो वहाँ पर एक वो समस्या अलग होती है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल एक भिन्न दृष्टिकोण से होता है, यहाँ पर बालक के लिए भिन्न प्रकार का मनोरंजन के साधन होते हैं, सूचनाओं से संबंधित अलग समस्याएं होती हैं। कि शहरी क्षेत्रों में तो सूचनाएं बालक को बहुत सुगम और सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। अब इंटरनेट जैसी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने लगी है तो वहाँ पे भी बालक आसानी से सूचनाएं जुटा सकते हैं, लेकिन अभी उन सूचनाओं की मूल प्रकृति को समझना, क्योंकि शुरुआत है तो शुरुआत में जब तक अनुभव नहीं है तब तक हम उनकी जो सही क्या कह रहा है, किस तरह का व्यवस्था के बारे में कहा गया है उसको समझना भी अभी एक समस्या है। तो अर्थात कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्देशन की अपनी अलग परंपरा या व्यवस्था होती है, जिसमें उनकी जैसे आर्थिक समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वहाँ पर एक अलग समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अर्थात कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जैसे शिक्षा संबंधी समस्या होती है, आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से समस्या होती है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो कहना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं होती है, तो उस तरह से वहाँ की समस्याएँ उस दृष्टिकोण से होती हैं, तो
को जुटाने के दृष्टिकोण से या उनकी उनसे संबंधित आवश्यकताओं के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ कि निर्देशन की आवश्यकता का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि निर्देशन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन की आवश्यकताओं को अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।